गजब है। मतलब क्या मजाक चल रहा है बिहार की राजनीति में, ये समझ के परे है। जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो भी तो हिस्सा है सरकार का। आज जब आप सवाल खड़े करते हैं तो क्या आप सरकार का हिस्सा नहीं है भाई? यही तो सवाल हम लोग भी खड़े कर रहे हैं। और अगर यही सवाल आप खड़े कर रहे हैं तो फिर क्यों आपके सहारे से वो सरकार बनी हुई है? क्या आपसे रंजित है? या तो आप अलग हो जाइए आप उस सरकार से, और या फिर इस बात को सुनिश्चित कीजिए कि सरकार का अंग होने के नाते भाई बिहार की शिक्षा व्यवस्था जितनी चरमराई हुई है आज की तारीख में, फॉर दैट मैटर हर उसमें, भाई संजय जायसवाल जी तो बोल ही रहे हैं, पर जिस तरीके से आरएसएस के मुखपत्र में जिस तरीके से पूरा लेख लिखा गया है, जिसमें नीतीश कुमार जी की हर नीति के बारे में की विफलताओं का उसमें जिक्र किया गया है, पर अफसोस इस बात का है या विडम्बना इस बात की या आश्चर्य इस बात का होता है कि भैया सरकार भी तो आप ही के भरोसे चल रही है। और दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड मेरी समझ के परे है कि इतनी बातें ये लोग सुन रहे हैं सिर्फ एक सत्ता की कुर्सी के लालच में। दोनों में विरोधाभास है, हर नीति पे विरोधाभास है, अग्निपथ से लेके पेगासस से लेके जाति जनगणना से लेके विशेष राष्ट्र के दर्जे से लेके जनसंख्या नियंत्रण कानून से लेके हर विषय पर विरोधाभास है, पर दोनों फिर भी साथ में क्यों है? सिर्फ सत्ता के लालच। जेडीयू कोटे के मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा है ये तो पति पत्नी का झगड़ा है, तलाक थोड़ी हो जाता है। अरे वाह, पति पत्नी के झगड़े में बिहार के बच्चे बर्बाद हो जाए। हाँ गजब, मतलब इतना लाइटली इस विषय को लेने की बात है। आपके सरकार के घटक दल आपकी नीतियों के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, आप ही के गठबंधन के घटक दल आपकी नीतियों के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, और जो कि सही सवाल है, मैं इस बात का तो मैं समर्थन करता ही हूँ कि भैया जो बात उन्होंने कही है वो सही कही। और सिर्फ शिक्षा ही नहीं, आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में देख लीजिए। बार बार मैं बोलता हूँ, जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री को 1000 किलोमीटर की फ्लाइट लेकर दिल्ली जाना पड़ता हो मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने, जिस राज्य के बच्चे बिहार छोड़कर बाकी सारे राज्यों में अच्छा काम कर रहे हैं, शिक्षा के लिए जाते हैं, रोजगार के लिए जाते हैं, तो उस प्रदेश में हर हर विभाग में जिस तरीके से विफलताएं इनकी देखने को मिलती हैं, तो सवाल तो सही उठा ही रहे। पर इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप सत्ता के लालच में इन बातों को इग्नोर करें और अंतोगत्वा उसका भुगतान उसका हर्जाना सरकार से समर्थन वापस लेने की सलाह आप बीजेपी को दे रहे हैं। सरकार से समर्थन वापस लेने की सलाह आप बीजेपी को दे रहे हैं? कोई समर्थन वापस लेने की सलाह नहीं दे रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप जिस पे उंगली उठा रहे हैं तो वो उंगली आपकी तरफ भी उठ रही है, आप उसी सरकार का हिस्सा है। अगर आप नहीं खुश हैं तो सोचने की जरूरत आपको है, जनता के बीच जाकर